मतलब इनका सेटअप है ना भाई, बाइक पे ना स्टॉल बना दिया, बाइक को ना स्टॉल बना दिया, आप लोग सेटअप देख सकते हैं सामने। कितने पढ़े लिखे हैं अभी आप? ग्रेजुएट हूँ मैं। चलिए टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको। जब तक पेट नहीं भरेगा तब तक खाते रहे, इतना मजा आ रहा ना खाने में। मतलब भाई यार बड़ा पाव जैसे बहुत कम मिलता बिहार में, ठीक ना? एक्चुअली मैं मुंबई में रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए मुंबई में रहा हूँ, वहाँ बड़ा पाव देखता था मैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रोहन ब्लॉग्स। तो कैसे हो आप लोग? खैर बहुत अच्छे होंगे। तो अभी फिलहाल में हूँ मैं पटना मरीन ड्राइव। तो यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा मतलब स्टॉल है। तो यहाँ पे एक भैया मिले मुझे, मतलब इनका सेटअप है ना भाई, बाइक पे ना स्टॉल बना दिया, बाइक को ना स्टॉल बना दिया, आप लोग सेटअप देख सकते हैं सामने, देख सकते हैं भाई। मतलब बंदे लोग बोलते हैं ना भाई, ठेला लेके चलना, ऐसा कुछ बात नहीं, हम लोग बिहारी लोग है ना, जुगाड़ रहते हैं हम लोग पास, जुगाड़ू आदमी रहते हैं हम लोग। तो भैया क्या क्या बेचते हैं आप? बड़ा पाव है सर, पोहा है और शरबते खास है। शरबते खास है। तो मतलब कैसे आइडिया मिला हमको सेटअप बाइक ही पे बना देना है? सर आइडिया इसमें कुछ नहीं था, बस हम चाहते थे शुरू करना, मतलब ठेला के बारे में नहीं सोचते, सोचे चलो अपना बाइक पे ही जगह इसी पे शुरू कर देते हैं, यही सोच के, अपना ही सोच के इसको शुरू कर दिया, इसके अलावा दूसरा कोई सोच नहीं था मेरा। तो भैया का आइडिया को भाई सल्यूट है यार। मतलब समझ रहे हो, बाइक हम लोग क्यों यूज करते हैं, बाइक हम लोग चलाने के लिए यूज करते हैं। भैया ने दिमाग लगाया, बिहारी लैंग्वेज बोले जुगाड़ लगाए, एकदम अपना बाइक में ना सेटअप एकदम इंस्टॉल छोटा सा एकदम चलाने लगे। मतलब बहुत लोग ऐसे बंदे कम होते हैं मोटिवेट होके, मतलब ठेला के लिए सोचे नहीं, मैं जो ठेला लेके मतलब छोटा सा स्टॉल खोल लेते हैं। नहीं सर, ठेला के बारे में मैं सोचा ही नहीं और सीधा इसी पर शुरू किया। ठेला के बारे में अभी तक मेरा कोई सोच नहीं है, अगर खुलना होगा, अगर इससे बड़ा करना है तो कोई स्टॉल अच्छा वाला डालूंगा, लेकिन ठेला के बारे में अभी नहीं सोचा। तो हम लोग टेस्ट भी बताएंगे भाई। तो बहुत सारा वैरायटी है यहाँ पे, और ये भैया है ना होममेड बनाते हैं, मतलब घर ही से सब सामान बना, होममेड है और हाइजीनिक है। हाइजीनिक तो आप लोग देख सकते हैं, सब चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो सेफ्टी भी जरूरी रहता है भाई, फूड ब्लॉग में सेफ्टी बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि खाएंगे अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाए दिक्कत होता है भैया को। देखो पूरा सुरक्षा अभियान चल रहा है भैया का भी। तो लोकेशन की बात है, लोकेशन तो मरीन पटना मरीन ड्राइव पे बहुत सारा स्टॉल है, तो भैया भी दिख जाएंगे। तो स्टॉल कब से कब लगाते हैं आप ये बता? 4:30 से शुरू कर देता हूँ मैं शाम को, 4:30 बजे से लगभग 8:30-8 बजे तक। तो मजबूरी मतलब क्या हुआ आपका ये छोटा सा स्टॉल चला? मजबूरी कुछ नहीं था सर, पहले जॉब था, जॉब नहीं था, कोरोना में छूटा आपका जॉब? जी कोरोना से ही छूटा हुआ। अधिकतर बंदे लोग को ना कोरोना ना लेके बीते, तो ऐसे कोई बात नहीं है, आत्मा बन रहे हैं कोई सब बंदे लोग भी। तो यही चीज़ है भाई, बाइक पे मतलब सेटअप करना एक समझ लो भाई यूनिक ही आइडिया है। बिहार में ऐसे ऐसे आइडिया आ ही रहे हैं, आते भी रहेंगे बनिया बनिया, तो आप लोग को दिखाते रहेंगे। चलिए हम लोग टेस्ट भी कर लेते हैं और भैया से कुछ कुछ बात करते हैं। कितने पढ़े लिखे हैं अभी आप? ग्रेजुएट हूँ मैं। आप ग्रेजुएट हैं, कौन सा ईयर में पास आउट हुए थे? 2007 में। और शादीशुदा भी हैं? हाँ शादीशुदा। बच्चे भी होंगे आपके? हाँ, दो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। हाँ, देखो भाई घर को चलाने के लिए कुछ भी करना ही पड़ता है भाई, क्या करोगे आज के डेट में, बेरोजगारी इतना बढ़ रहा है ना दिन पे दिन, तो छोटा मोटा स्टॉल भी चलाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। आजकल की लड़कियां भी सड़कों पर उतर के चाय की स्टॉल बहुत सारी खोल देता, आपको पता होगा ऐसा। हाँ, मैं भी सुना था। क्या क्या आइटम है ये बता दीजिए आप? मेरे पास पोहा है। पोहा कितने का है? पोहा 20 रुपए का आता है सर, और बड़ा पाव 30 का है, और शरबते खास है। शरबते खास कितना ड्रिंक? सर 10 रुपए का है पर ग्लास। पर ग्लास, चलिए सही है, बहुत अच्छा लगा। चलिए हम लोग टेस्ट भी करते हैं, टेस्ट भी बताते हैं आपको। तो ये देख सकते हैं आप लोग, धनिया का चटनी डाला गया है। ये क्या है भैया? ये ड्राई फ्रूट की चटनी है, मूंगफली सिंह दाना ज़्यादा इसमें ज़्यादा मात्रा में है और बाकी ड्राई फ्रूट इसमें मिक्स होता है। ये क्या है भैया? ये तो सेब है। यहाँ तरह तरह का बन रहा है भाई, देखने ही में इतना टेस्टी लग रहा है भाई, खाने में कैसा लग रहा है आप लोग सोच सकते हैं। और ये क्या है लास्ट में? ये मिर्ची है, मिर्ची डलाई गया। और ये लास्ट में? ये बड़ा है, इसको हम लोग अपने। तो भैया ना घर ही से बना के लेके आते हैं। हाँ। और ये हरा थोड़ा चटनी, वो फाइनली हम लोग का बड़ा पाव रेडी हो गया, इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं कैसा है, क्योंकि बिहार में बहुत लोग कम ही बनाते हैं बड़ा पाव। तो चलिए टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको। टेस्ट भी मुँह में देखने से ऐसे ही पानी आ गया मेरा। हम लोग खाए ना भाई, पहला बाइट लिए, दूसरा बाइट लिए, तीसरा बोले ना भाई, पहली बार ऐसा खा रहे हैं, मजा आ गया भाई। भैया को थोड़ा सपोर्ट भी करिए, क्योंकि देखिए घर में फैमिली बड़े हैं इनका, छोटा सा मिला जुला के अपना बाइक पे ना स्टॉल चला रहे हैं, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं मिलता भाई। चलिए तो हम लोग खा लेते हैं, इसको खत्म करते हैं। टेस्ट बहुत बढ़िया है, मजा आ गया खा के।
खत्म करनी है, फिर ऑर्डर किए हैं, आज खाते रहेंगे, जब तक पेट नहीं भरेगा तब तक खाते रहेंगे। इतना मज़ा आ रहा ना खाने में, ज़्यादा कुछ नहीं। मरीन ड्राइव तो आप लोग आते रहते होंगे, तो आइएगा, ज़रूर खाइएगा। आप खाइएगा, उस वक्त कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा भैया कैसा लगा आपको, खाइएगा ना, दिल छू जाएगा। तो ये हमारा फाइनली दूसरा तैयार हो चुका है, तो इसको भी भाई आज ना देखते हैं कहाँ तक खा पाते हैं। कैसा लगा तुमको सागर ये जो टेस्ट है ना, बड़ा पाव एक नंबर, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। मुंबई में तो बहुत देखे थे हम, बड़े रेस्टोरेंट में गए थे और खाए थे, ऐसा टेस्ट नहीं था। वो वाला था, अजीब टाइप में लग रहा था, पर ये जो है ना खतरनाक बना है भैया, असली फील। तो हम लोग खा चुके हैं भाई, मतलब टेस्ट इतना बढ़िया लगा ना भाई, दिल से बोला मजा आ गया। मतलब दो तीन तो ढपक लिए, आप लोग भी खाइएगा, जरूर खाइएगा। तो मतलब भैया बड़ा पाव जैसे बहुत कम मिलता है बिहार में, ठीक ना, बड़ा पाव हो गया। तो कैसे मिला आइडिया, मतलब बड़ा पाव बहुत लोगों को तो बनाने भी नहीं आता, बड़ा पाव कैसे बनाया जाता है, कैसे उसका? एक्चुअली मैं मुंबई में रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए मुंबई में रहा हूँ, वहाँ बड़ा पाव देखता था मैं, देख के मतलब कुछ दिन रहा हूँ, देख के ही सीखा हूँ और इसके ऊपर ट्राई किया और 2-4-10 दिन तक मैं घर में बनाया। अब बना एक्चुअली रेसिपी दादी की है। अच्छा, दादी जी की है रेसिपी। जो रेसिपी है ना अंदर, इसमें जो भी पड़ता है वो दादी की है। मेरे साथ भैया है, तो कैसा लगा आपको टेस्ट, कैसा है? टेस्ट अच्छा, ठीक ठाक है, ठीक है। इससे पहले खाए हैं आप? नहीं, बड़ा पाव पहली बार खा रहे हैं, फर्स्ट टाइम। और आप भी भैया फर्स्ट टाइम खा रहे हैं? पहले खाए थे? दूसरी बार है। यहीं पे आके खाए थे? मतलब इतना पसंद आ गया, आप रोज आते हैं? चलिए बहुत अच्छा लगा। आ चुके हैं भाई, देख सकते हैं मजा तो बहुत आया। और भैया का जो बहुत अच्छा है भाई लुक उक भी, अपना ब्रांडिंग टी शर्ट चल रहा है, तो ऐसे ही लगे रहिए भैया। और युवा क्या मोटिवेशन देना चाहते हैं आज के डेट में? देखिए मोटिवेशन मेरे तरफ से क्या है, हम ये कोशिश किए हैं, अगर जो कोशिश करना चाहता है, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं है। सही बात, कोशिश करने वाले जो भी कोशिश करना चाहे उसके लिए काम बड़ा या छोटा नहीं है, कोई भी काम छोटा से भी आदमी कोशिश कर सकता है, उसको कर सकता है। और अर्निंग मतलब मिला जुला के ठीक हो रहा है? हाँ सर, अब जितना मैं स्टार्ट किया था, अब स्टार्टिंग में 20 पाव से किया था। कितना फिर भी खर्चा हुआ होगा ये सेटअप लगाने में? लगभग सर 2,000 रुपया खर्च हुआ है। मात्र 2,000 रुपये में यहाँ सेटअप रेडी हो गया, इसको बोलते हैं बिहारी जोगाड़ भाई, समझ सकते हो भाई। हम लोग बिहार मतलब बंदे ना कुछ अलग खूबी रहता है, कुछ भी अपना जोगाड़ करके ना कुछ भी काम कर सकते हैं, ये बिहार है भाई। तो बहुत अच्छा लगा, तो ब्लॉग को भी एंड करते हैं भाई। ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए इस चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। भारत माता की जय, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।